गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लेसन टू अकाउंट्स में मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मींस इंटरेस्ट ड्राइंग्स कैसे निकालेंगे वो क्या करेंगे। इसके मेथड दो मेथड हो सकते हैं, एक को कहेंगे सिंपल मेथड और दूसरा होगा प्रोडक्ट मेथड। एक सिंपल मेथड हो गया, एक प्रोडक्ट मेथड हो गया। मीन सिंपल हिंदी में आए थे इसको सारा और इसको गुणनफल। तो सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड किसी से भी निकालेंगे तो जो आपका इंटरेस्ट आएगा वो सेम आएगा, परंतु दोनों में डिफरेंस क्या है। सिंपल मेथड है जो सिंपल मेथड के अंतर्गत क्या हुआ कि आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो तो दोनों दी हुई होगी। जिस भी दिन से हम निकालते हैं पैसे निकालते हैं ड्राइंग्स निकालते हैं बिजनेस में से, उस दिन से जितने भी दिन तक वो पैसे हमने यूज किए उतने दिन तक का ब्याज निकाल लेंगे। कैसे, जैसे फॉर्मूला होगा जितनी अमाउंट है अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट मीन जितने भी अमाउंट हमने जिस महीने मान लो जनवरी के महीने में निकाली तो 31 जनवरी ने निकाली तो जनवरी का महीना तो पूरा जा चुका था, तो वो पैसे हमें फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त अक्टूबर नवंबर दिसंबर 11 महीने तक यूज किए तो 11 महीने का रेट लगा ब्याज लगा दी। रेट ऑफ इंटरेस्ट सभी सेम होगी इस पर, ये रेट है। और मान लो हमने 1 जनवरी में ही निकाल लिया तो पूरा साल है तो जनवरी भी पूरा या महीना तो 12 महीने का हो जाएगा, तो इस प्रकार निकाल लेंगे जैसे भी होगा कितने महीने का उसका जितने भी अमाउंट होगी जल्दी होगी फिर सभी को ऐसे ऐसे निकाल लेंगे तो जो इंटरेस्ट आता रहेगा उसको जोड़ देंगे। लास्ट में एक क्वेश्चन करेंगे उसमें समझा जाएगा। तो ये है सिंपल मेथड के द्वारा मीन्स अलग अलग निकाला जाएगा हर एक मेथड का अलग अलग। ये मान लो जनवरी के महीने में हम 20,000 रुपये निकालेंगे, मान लें 31 जनवरी को निकाले और साल हमारा है 1 जनवरी से मान लो 31 दिसंबर, इस दिन के लिए हम अकाउंट बना रहे हैं। 31 जनवरी को निकाले तो जनवरी का महीना हो गया, वो पैसे मान लो एक इंटरेस्ट है वो देने के विषय में 9% है अंदर, तो ये पैसे हमने कितने दिन यूज किए 11 मंथ का निकाल देंगे इस प्रकार से। मीन्स फिर अगली अमाउंट होगी उसका निकालेंगे, क्योंकि जितने भी अमाउंट होगी ऐसे निकाल के हरेक जो अमाउंट आ जाएंगे ब्याज उन सभी को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जो अंतिम सभी को जोड़ने के बाद जो फाइनल इंटरेस्ट आएगा उसे सिंपल मेथड के द्वारा इंटरेस्ट होगा, ये सिंपल कर। दूसरा है प्रोडक्ट मेथड।
प्रोडक्ट मेथड है। प्रोडक्ट मेथड में क्या होगा कि इसमें हमें जो ड्राइंग्स की अमाउंट दे रखी होगी उस अमाउंट का सबसे पहले वो कितने दिन तक यूज किए हमने उस सेवन की अप्लाई करके उसका प्रोडक्ट निकालेंगे। मान लो हमने निकाल लिया 1 जनवरी को कर दिया और टाइम हमारा साल का 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 1 जनवरी को मान लो 5,000 रुपये अर्न किए तो वो कितने दिन यूज किए हमने जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जिस दिन साल स्टार्ट होता है उस दिन निकालेंगे, जिस दिन खत्म होता है उस दिन, तो 12 महीने होंगे। इनका ऐसे प्रोडक्ट निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई निकाल लेंगे, जो जो मान लें फिर उसने किया मार्च तो मार्च का महीना गया, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 9 महीने हो गए, तो मान लो 10,000 रुपये निकाल लें तो उसको जितने भी निकाले उतने महीने से जितने अमाउंट निकाले जितने महीने को यूज किए उनका प्रोडक्ट निकालेंगे क्योंकि प्रोडक्ट मेथड है। उसके बाद जो भी जितना दे रखे होंगे अमाउंट दे रखे होंगे उनका प्रोडक्ट निकालने के बाद प्रोडक्ट का जोड़ कर देंगे। जैसे इसका आ गया प्रोडक्ट का सम निकाल लिया, उस सम जो फाइनल सम निकलेगा प्रोडक्ट का सम आ जाएगा इस प्रोडक्ट का जो सम आ गया सम ऑफ प्रोडक्ट इसके ऊपर लगेगा जो आपका एक निकालेंगे तो क्या निकालेंगे अब जो भी प्रोडक्ट आ गया जो भी सम ऑफ प्रोडक्ट है उसको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है परसेंटेज हटाने के लिए उसको डिवाइड कर देंगे 100 से और उस पर 1 महीने का ब्याज निकालेंगे, उस पर 1 महीने का ब्याज निकालेंगे तो सेम जो ये इंटरेस्ट जितना उस पर बनता था सिंपल मेथड से उतना ही उस पर ऐसे निकालते थे। इस पर पहले प्रोडक्ट निकालना है उसके बाद उस पर 1 महीने का लगाना है तो दोनों का जो इंटरेस्ट आएगा वो सेम आएगा। अब इसके आधार पर ये क्वेश्चन आप देख सकते हो। थैंक्स फॉर नेक्स्ट क्लास।